टू अवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष मैथ्स पॉइंट। दोस्तों आज है 25 और 26 अक्टूबर का करंट जी पे। दोस्तों कल के कुछ इंटरनेट इश्यू होने की वजह से कल का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, इसलिए दोस्तों कल के क्वेश्चन को और आज के क्वेश्चन को मर्ज कर दिया गया है, इसलिए आज दोनों दिन का करंट अफेयर्स है 25 और 26 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर एक, हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किस अस्पताल का शिलान्यास किया? इसके ऑप्शन लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, डॉक्टर मनोहर लोहिया अस्पताल, लीलाबाई कॉलेज नर्सिंग अस्पताल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल। हाल ही में लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का दोस्तों शिलान्यास मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों 1500 बेड्स के लिए नई चिकित्सा सेंटर का शिलान्यास किया। ये सेंटर 30 माह में बनकर तैयार होगा दोस्तों, और ये भी दिल्ली में क्या है, दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा। दिल्ली में क्या है तो दिल्ली की वर्तमान देखते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जिन्होंने इसका शिलान्यास किया। उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दोस्तों देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खुला था, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया दिल्ली में, लीड पोर्टल लॉन्च किया गया था, रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन शील्ड और 5G दोस्तों कोविड की रोकथाम के लिए ये ऑपरेशन चलाए गए थे दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार बेटियों को कितने रुपए का लाभ देगी? दोस्तों इसके ऑप्शन 55,000, 51,000, 56,000, 60,000। आंसर है ऑप्शन बी, 51,000। हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का उद्देश्य बच्चों को हो रही भ्रूण हत्या को रोकना है। इस योजना बिहार सरकार चला रही है, इस योजना में सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक की सहायता करेगी, और दोस्तों इसके लिए वो 51,000 रुपए दोस्तों 51,000 रुपए बेटियों को देगी। दोस्तों बिहार सरकार द्वारा इस योजना के लिए, तो बिहार के बारे में देखते हैं, बिहार की राजधानी है पटना और मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। दोस्तों बिहार में अभी चुनाव है। राज्यपाल है फागू चौहान। मधुबनी पेंटिंग दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछ ले, ये कहा है? ये दोस्तों बिहार में, बिहार का शो कोशी नदी को कहते हैं। इंद्र वज्र ऐप दोस्तों बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया था बिजली गिरने की चेतावनी प्रदान करने के, ताकि लोगों को बचाया जा सके। दोस्तों भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र पटना में शुरू हुआ था। बेलमी की नेशनल पार्क ये दोस्तों बिहार में, महात्मा गांधी सेतु पार्क दोस्तों ये भी चर्चा में रहा है, अब ये भी कहाँ है, बिहार में। बिहार को देखते हैं मैप में, ये रहा मैप में बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम बीमा योजना के तहत भारत में किस राज्य के कर्मचारी शामिल होंगे? दोस्तों इसका आंसर है सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बीमा योजना में अरुणाचल प्रदेश राज्य कर्मचारियों को शामिल करने की अधिसूचना जारी की। जिले में 10 से अधिक कर्मचारी वाले संस्थान इस योजना में शामिल होने के पात्र होंगे। इसमें पंजीकरण के लिए सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। दोस्तों अब ये अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश पर हम देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल है ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। मी बड़ी ऐप दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल शुरू किया गया था, पक्के टाइगर रिजर्व और नाम दफर नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में। पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में। एक है हॉर्निबल फेस्टिवल, केवल ही हॉर्निबल फेस्टिवल दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। इन दोनों में आप कन्फ्यूज मत होना दोस्तों, जब भी बताता हूँ उनके बारे में अलग अलग डिटेल्स बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, मैप में देखते हैं, ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली महिलाओं उनके नेतृत्व वाली खाद्य सहकारी समिति को किसने ट्रेडमार्क शोधन प्रदान किया? इसके नाबार्ड, श्रम ब्यूरो, कृषि, NDDB। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, NDDB। हाल ही में भारत की पहली महिलाओं के नेतृत्व वाली खाद्य सहकारी समिति मुजुकुआ सखी खाद्य सहकारी मंडली को NDDB का ट्रेडमार्क शोधन दिया गया। जैव गोल आधारित जैव उर्वरक बनाने के लिए आनंद जिले की मुजुकुआ सखी खाद्य सहकारी मंडली को सुरक्षा प्रदान किया गया। दोस्तों मुजुकुआ सखी खाद्य सहकारी मंडल अब गोल बनाने और जैविक खाद्य बनाने की प्रक्रिया करेगी। खाद्य प्रबंधन पहल के तहत डेयरी किसान अपने आंगन के पिछवाड़े में बायोगैस संयंत्र लगाते हैं और उनका उपयोग गैस बनाने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग पक्का खाना पकाने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों अभी NDDB द्वारा किया गया, तो NDDB बारे में देखते हैं, इसकी स्थापना दोस्तों 1965 में हुई थी NDDB की स्थापना, और इसका वर्तमान में दोस्तों मुख्यालय है गुजरात। गुजरात के कहाँ है दोस्तों, आनंद में, जहाँ अमूल का भी मुख्यालय है। मुख्यालय यहाँ दोस्तों, यहाँ से डॉक्टर वर्ज गुरिया ने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। मदर डेयरी इसकी सहायक कंपनी NDDB की, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में दिलीप दत्त। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने कितने साल बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता की? दोस्तों इसका ऑप्शन है 25 साल, 35 साल, 40 साल, 20 साल। दोस्तों
इसका आंसर है 35 साल। हाल ही में दोस्तों भारत 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की अध्यक्ष की शासी निकाय की अध्यक्षता करेगा। श्रम सचिव अपूर्वा चंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक अध्यक्ष बने रहेंगे। मास्टर कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वह रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष थे। शासी निकाय गवर्निंग बॉडी आईएलओ का कार्यकारी है। यह आईएलओ के महानिदेशक का चुनाव करता है। यह आईएलओ की नीतियों कार्यक्रम एजेंडा और बजट को भी तय करता है। इस साल के मार्च जून और नवंबर महीने में 3 बार मिलता है दोस्तों। और दोस्तों आईएलओ के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। और दोस्तों इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके महानिदेशक हैं वर्तमान में गाय राइडर। और वर्तमान में सदस्य देश हैं 186 सदस्य देश हैं। और आईएलओ भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शन है 20 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 23 अक्टूबर। हाल ही में हिम तेंदुए की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी एशिया की पूर्व श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। इन्हें पहाड़ों का भूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें पहाड़ों का भूत कहा जाता है। पहाड़ों का भूत कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुए दिवस के वर्चुअल मीट कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री द्वारा हिमल संरक्षक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भारत में हिम तेंदुए मुख्य रूप से लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र, उत्तराखंड के नंदा देवी क्षेत्र, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग खांड चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हिम तेंदुआ योजना, इसको 2009 में लॉन्च किया गया था। हिम तेंदुआ योजना दोस्तों ये प्रजाति और इसके आवासों के संरक्षण के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना है। ये हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र परिस्थिति मंत्रालय में भी मदद करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सूर्योदय योजना के तहत 3 प्रोडक्ट्स की शुरुआत किस राज्य में की? इसका ऑप्शन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सूर्योदय के तहत 3 प्रोडक्ट्स की शुरुआत दोस्तों गुजरात में की गई है। दोस्तों गुजरात में की है तो गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। हाल ही में गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल से अभियान शुरू किया गया था। अंबारे आंगनवाड़ी मानक अनूठी पहल शुरू की गई थी। दोस्तों गुजरात की पुलिस पहली पुलिस बनी है जिसको टेजर गन प्राप्त है। दोस्तों टेजर गन से इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है, इसे बुलेट नहीं निकलती, इसे इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है। गुजरात की पुलिस पहली पुलिस बनी है जिसको यह गन प्राप्त हुई। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला आनंद गुजरात में खुली। दोस्तों काकरपारा न्यूक्लियर पार्क में, ये कहा दोस्तों? ये भी गुजरात में, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। और दोस्तों भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात में खुली थी। ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा दृष्टि से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। को आप जरूर देखना, न्यूज में रहता है दोस्तों कि भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी कहाँ है? वडोदरा। सी प्लेन सेवा शुरू की थी अभी गुजरात में। थोड़ी देर मैप में देखते हैं, मेरा गुजरात मैप। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 2021 में सम्मिलित होने की घोषणा की? इसका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश इसके दोस्तों 50 स्वतंत्र दिवस बांग्लादेश के ढाका जाएंगे, जहां बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए के अब्दुल मोमन ने कहा कि इस दोनों के क्षेत्रों के समारोह के रूप में याद किया जाएगा। वे बांग्लादेश में जाएंगे तो बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। दोस्तों दोस्तों अभी बांग्लादेश में 1971 के युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाने का निर्माण घोषणा है। मुफ्त इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया दोस्तों बांग्लादेश की टेलीकॉम कंपनियों ने। दोस्तों साइबर क्राइम इनको रोकने के लिए यहाँ पर मुफ्त इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन खरीदारी के लिए किया गया दोस्तों। संप्रति एक्सरसाइज दो भारत और बांग्लादेश के मध्य होती है। इस बार कहाँ संपन्न हुई थी? मेघालय में संपन्न हुई थी। बांग्लादेश को देखते हैं मैप में, ये रहा बांग्लादेश में मैप। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शन है 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर। हाल ही में 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया दोस्तों। ये दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पोलियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को जॉन साल्क के जन्मदिवस के ऊपर मनाते हैं, जो अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट हैं जिन्हें दुनिया का पहला सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद। दोस्तों एक बात और, भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। भारत में 2014 से यानी कि कोई केस नहीं मिला इसके लिए 2014 से थोड़ा दिन पहले दोस्तों, इसलिए 2014 में भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया। ठीक है, और दोस्तों 24 अक्टूबर को एक दिवस और मनाया जाता है,
यूएन स्थापना दिवस दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी दोस्तों। इसलिए इस हर साल यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों 24 अक्टूबर को इसका यूएनओ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परिणाम मंजूषा योजना किसने शुरू की है दोस्तों? इसके ऑप्शन केंद्र सरकार, नवोदय बोर्ड, सीबीएसई, इनमें से कोई दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सीबीएसई। हाल ही में परिणाम मंजूषा दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का उपयोग करके कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों के शैक्षणिक दस्तावेज को डिजिटलाइज करेगा। छात्र लाइव छवि का सीबीएसई के एडमिट कार्ड पर लगी तस्वीर के साथ मिलान किया जाएगा। यह एप्लीकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डिजिटल शैक्षणिक भंडार में उपलब्ध होगा दोस्तों। परिणाम मंजूषा छात्रों के लिए दोस्तों सीबीएसई के द्वारा शुरू की गई है डिजिटलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की बायोटेक कंपनी ने अपने तीसरे कोरोना वैक्सीन फेज का ट्रायल कितने वॉलंटियर्स के साथ शुरू करेगी दोस्तों? इसके ऑप्शन 26,000, 30,000, 40,000, 10,000 दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 26,000। हाल ही में भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन टीके के पहले और दूसरे चरण के परीक्षणों का अंतरिम विश्लेषण सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। अब वह तीसरे चरण में इस टीके का परीक्षण 26,000 स्वयं सेवक करेंगे, 26,000 वॉलंटियर्स पर दोस्तों इस टीके का परीक्षण करेगी, जो अभी तीसरे दोस्तों भारतीय देसी वैक्सीन है कोवैक्सीन के नाम से दोस्तों। तो परीक्षा में दोस्तों ये भी पूछ रहे थे कि दोस्तों भारत की देसी वैक्सीन का नाम क्या है, कोवैक्सीन। और दोस्तों जो अभी थोड़े दिन पहले चर्चा हुई थी वैक्सीन रूस की, उसका नाम बोलते हैं स्पुतनिक 5 वैक्सीन उसका नाम है। और ये अभी इसका दोस्तों 26,000 वॉलंटियर्स उसका ट्रायल शुरू होगा तीसरा फेज, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में YSR बीमा योजना किस राज्य में शुरू की दोस्तों? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में YSR बीमा योजना आंध्र प्रदेश में शुरू करेगी। आंध्र प्रदेश में दोस्तों ये बीमा योजना बीपीएल फैमिलीज के लिए, बीपीएल फैमिलीज को लोन देने के लिए दोस्तों, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दोस्तों ये योजना शुरू की जाए आंध्र प्रदेश में की जाएगी। तो आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र दोस्तों। अमरावती यहाँ की विधायी राजधानी होगी, विशाखापट्टनम दोस्तों प्रशासनिक राजधानी होगी और कुरनूल होगी यहाँ की न्यायिक राजधानी दोस्तों। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है भारत का जिसकी तीन राजधानी होंगी। मूल के साथ समझौता हुआ था, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश मना था। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था दोस्तों। और आंध्र प्रदेश दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए। एक क्रोक के द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया था। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू की गई थी। निगाह ऐप, कोविड फार्मा, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की गई थी। मैप में देखते हैं, ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस हवाई कंपनी ने 9 मीडिया कर्मियों पर पाबंदी लगाई? इसके ऑप्शन इंडिगो, गोयर, एयर इंडिया, इनमें से कोई दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंडिगो। हाल ही में इंडिगो ने यात्रा के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 9 मीडिया कर्मियों को प्रतिबंध कर दिया। ये 30 अक्टूबर तक इंडिगो की फ्लाइट नहीं ले सकेंगे। 30 अक्टूबर तक दोस्तों इन पर पाबंदी लगाई गई। अब इंडिगो तो इंडिगो बारे में देखते हैं। इंडिगो की स्थापना 2005 में हुई थी, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, और चेयरमैन है मिली वित्तल दामोदर और सीईओ है रंजन दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल और किस देश के मध्य रिश्ते सुधारने के लिए समझौता हुआ है दोस्तों? इसके ऑप्शन कुवैत, सूडान, जॉर्डन, दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सूडान। हाल ही में सूडान और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य करने को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ है। सूडान, इजराइल और अमेरिका के संयुक्त बयान के मुताबिक आने वाले हफ्तों में एक प्रतिनिधि मंडल की बैठक की जाएगी दोस्तों। सूडान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए इनके बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीपल्स अलायंस के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों? महबूबा मुफ्ती, सारा पायलट, फारूक अब्दुल्ला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फारूक अब्दुल्ला। हाल ही में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आवास स्थान पर पीपुल्स अलायंस बैठक हुई, जिसमें फारूक अब्दुल्ला को पीपुल्स अलायंस का अध्यक्ष होना और महबूबा मुफ्ती उपाध्यक्ष होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर वी वेंकटरम का निधन हो गया, वे कौन थे? इसके ऑप्शन अभिनेता, पत्रकार, खिलाड़ी, लेखक दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन डी, लेखक। हाल ही में दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और चोल इतिहास और वास्तुकला के प्राधिकरण डॉक्टर बी वेंकटरम का 95 वर्ष की आयु में दिल्ली के निजी अस्पताल में निधन हुआ। पत्नी लीला वेंकटरम एक प्रसिद्ध नृत्य कला समीक्षण है दोस्तों, ये लेखक के पेशे से और आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को कब तक ग्रे लिस्ट में रखा दोस्तों? इसके ऑप्शन 2022, 2021, 2023,
इनमें से कौन? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी 2021। हाल में FATF फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स ने दोस्तों 2021 तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा है दोस्तों। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने बनाया दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ? पेरिस फ्रांस में, और अध्यक्ष हैं मार्कस प्लेयर। दोस्तों पाकिस्तान को तो पाकिस्तान की राजधानी आपको पता ही है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं क्रिकेटर इमरान खान। इमरान खान दोस्तों ये वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान किस राज्य में चलाया गया? इसके ऑप्शन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। हाल ही में दोस्तों लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, COVID-19 के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए दोस्तों, COVID-19 कैसे बचें इसके बचाव उपाय ये करने के लिए दोस्तों स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान छत्तीसगढ़ में चलाया गया दोस्तों, इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के लिए सभी इस प्लान के तहत बताया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया, छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके, नया रायपुर शहर का नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया दोस्तों। राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई थी, सीजी हार्ट योजना शुरू की गई थी, रक्षा सर्वे ऐप चलाया गया था, स्पंदन योजना मानसिक पीड़ा से ग्रसित व्यक्तियों को दोस्तों सहायता पहुंचाने के लिए स्पंदन योजना शुरू की गई थी, पशुधन न्याय योजना शुरू की गई थी, तेंदू पत्ता संग्रह की योजना दोस्तों पहला राज्य बना छत्तीसगढ़ जिसने यह शुरू किया गया था। वो छत्तीसगढ़ को मैप में देखते हैं, ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की? इसका ऑप्शन कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक ने दोस्तों 2020-25 की औद्योगिक नीति घोषणा कर्नाटक ने की। कर्नाटक के बारे में देखते हैं, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल ने वजुभाई वाला। दोस्तों कर्नाटक ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गैट सेट गो की शुरुआत की थी, कोरोना वॉच ऐप शुरुआत की थी, इसरो का दोस्तों हेडक्वार्टर ये भी दोस्तों कहाँ है? ये बेंगलुरु में है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं के शिवन। सिलिकॉन वैली दोस्तों बेंगलुरु को कहते हैं। कर्नाटक को मैप में देखते हैं, ये रहा मैप में कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMF सदस्य कौन सा देश बना है? ऑप्शन है बेलारूस, सैन मेरिनो, अंडोरा, इनमें से कौन? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी अंडोरा। हाल ही में अंडोरा IMF का 190वां देश दोस्तों 190वां सदस्य बना है, अंडोरा बनाया दोस्तों IMF का, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसके अध्यक्ष हैं जॉर्जिया। ठीक है दोस्तों, अब आंसर ऑफ लास्ट पेज क्वेश्चन, हाल ही में माई अंबर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? इसके ऑप्शन जियो, एयरटेल, BSNL, आइडिया, वोडाफोन। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी आइडिया वोडाफोन। हाल ही में आइडिया वोडाफोन ने माई अंबर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था दोस्तों, आइडिया वोडाफोन महिलाओं के लिए दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अब आज के लिए क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में आसाम कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर साइट स्थल बना? इसके ऑप्शन सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही से दे पाते हैं। और दोस्तों साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए, याद कीजिए क्वेश्चनों को। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स दोस्तों, लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसे अच्छी तरह से याद कीजिए, नोट्स बनाइए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो